This is the last piece of the water cap in the world's largest map. Bismillah. Art and we. सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में सऊदी खातून खलूद अल फजली ने खाली बोतलों के ढक्कनों से दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा तैयार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 250 मरबा मीटर इलाके में खाली बोतलों के 3 लाख से ज्यादा ढक्कनों की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा तैयार करने वाली सऊदी खातून ने पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम टीम को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि रिसाइकलिंग से आर्ट की तख्लीक का ये नमूना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा है, इसको तैयार करने में 40 रोज लगे हैं। इसमें 7 मुख्तलिफ रंगों के ढक्कन इस्तेमाल किए गए हैं और इस अनोखे और मुनफरिद अंदाज में दुनिया का नक्शा बनाना एक चैलेंज जरूर था, मगर मैंने इस पर शब रोज काम किया और लोगों को दिखाया कि जिन अशिया को हम इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं उनको कारामद कैसे बनाया जा सकता है। खलूद अल फजली ने मजीद बताया कि नक्शे में पाकिस्तान का खसूसी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं K2 की बुलंद तरीन चोटी सर करूँ। इंशाल्लाह मैं ये नया नक्शा गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। नक्शा देखने वाले ना सिर्फ सऊदी बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी खूब तारीफ की और खलूद अल फजली को मुबारकबाद दी। With Pakistan one, you can tell us that Pakistan is next to India. Yeah. आज जो है ना हम लोग यहाँ खलूद फजली के स्किप्टर प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं यहाँ पे और मशाला बड़ा अच्छा लगा है और इसने रिकॉर्ड कायम किया है। आई विल लेट अर्न मोर देन फ्रॉम देम। आई एम सो प्राउड अबाउट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दिस प्रोजेक्ट डिड इट हियर इन आवर लैंड सऊदी लैंड। Khalud's idea at the beginning. We heard about it from family and friends. It was such a great idea to know that there's some person or someone is actually thinking about the environment and thinking about awareness, telling people and children about plastic awareness and not to throw them.